हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो 2021 का जितने भी नोबेल पुरस्कार क्या है ना मिले हैं, वो सब के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम पूरा जो भी हिस्ट्री है नोबेल प्राइज का, एक कब से हमें दिए जाने लगा, किसके याद में देते हैं, कौन कौन देता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन देता है, वो सारे क्या है ना हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे जानकारी लेंगे आज नोबेल प्राइज। और इसी क्या है हिस्ट्री से बहुत सारे एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन क्या है ना ज्यादा आते हैं। अब उस चीज को क्या है ना, आप देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि सही में ये जो मैं टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल प्राइज है क्या। तो नोबेल प्राइज जो है, सबसे पहले एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि नोबेल प्राइज जो है वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। यानी 1968 का बारे में बात करते हैं तो 1968 तक जो नोबेल प्राइज जो है वो 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। लेकिन 1969 के बाद छठा जो प्राइज जो है, जो हमारा 6th जो प्राइज है, वो ऐड किया गया है, जो कि 1969 में क्या है ना ऐड किया गया था, और इसको छठा प्राइज 1969 के बाद क्या है इसको दिया जाने लगा। अब यहां से बात करते हैं ये क्या है एक्चुअल में जो नोबेल प्राइज जो है, ये अल्फ्रेड नोबेल जो थे, एक स्वीडन के एक इन्वेंटर और क्या ना इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने जो संपत्ति क्या है ना रखा था, उसी संपत्ति को क्या है ना इन्होंने बैंक में रख दिया। और उसी संपत्ति को अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं आपको, तो उसी संपत्ति का जो इंटरेस्ट आता है वो एनुअली हर साल आपको 6 क्या है आपको 6 क्षेत्र में उसको नोबेल प्राइज के नाम से दिया जाता है। तो यहां से सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि नोबेल प्राइज का जो ड्राफ्ट किया गया था 1895 में, ये जो भी हम सर्कल कर रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज का जो ड्राफ्टिंग जो हुआ था ये 1895 में हुआ था। और जो नोबेल जो है, एक तरीके से वही है हमारा क्या है ना, अपने फंड को क्या है इन्होंने क्या रख दिए थे, और उसी फंड का जो इंटरेस्ट मिलता है तो उनको 5 एनुअल क्या है ना उसी फंड से क्या है ना 5 एनुअल प्राइज दिया जाता था। और जो छठा जो प्राइज है वो 1969 में क्या है वो ऐड किया गया, जिसके बाद क्या है ना दिया जाने लगा। अब वो जो 5 को जो आपको जो क्षेत्र बताएं, जो 5 को जो एरिया बताएं, वो किस किस में दिया जाता है, तो याद रखिएगा ये फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन उसी को बोलते हैं इसके क्षेत्र में दिया जाता है, और क्या है ना लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। और क्या बोलते हैं, यहाँ से देखिए 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो गया, 4 हो जाएगा, और ये हमारा पीस के क्षेत्र में दिया जाता है, 5वां जो है पीस के क्षेत्र में। तो आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग में भी क्या है ना आ सकते हैं कि इनमें से आप बताइए कि किस किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप याद रखिएगा, मेडिसिन याद ही रहेगा, लिटरेचर और क्या है ना पीस आपको याद रखना है। उसके बाद जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था नोबेल प्राइज का, ये आपको कब हुआ था, 10 दिसंबर 1901 का। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि 10 दिसंबर 1901 को सबसे पहले नोबेल प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो कि अल्फ्रेड नोबेल का जो डेथ हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के 5th एनिवर्सरी पे क्या है ये हमारा 1901 जो था वो हमारा 5th एनिवर्सरी पे ये प्राइज को स्टार्ट किया गया था। याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के डेथ के 5वें एनिवर्सरी जो कि 1901 में हुआ था, उसी 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइज फर्स्ट बार उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अगर हम बात करते हैं 1968 में क्या है ना, एक हमारा बैंक है स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने, इसने क्या है इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में, जो हम बताए थे कि 5 के बाद क्या है ना छठा ऐड किया गया, तो जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक जो है वो 1968 में ऐड किया था, किसके क्षेत्र में, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। और वो किस लिए, वो जो सर अल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में जो है इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इन्होंने ऐड किया, और 1968 के बाद ये हमारा 1969 में क्या हुआ इसको दिया जाने लगा, इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल को दिए जाने लगा। तो 5 फील्ड आपको बता दिए, और छठा जो फील्ड है जो इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं
इसमें क्या ना चार जो है ना वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करते हैं इस प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें तीन जो है ना वो स्वेडिश है, स्वीडन के जो है वो तीन हमारे इंस्टीट्यूट है, और एक जो इंस्टीट्यूट है वो नॉर्वे का है, याद रखिएगा। जिसमें तीन जो है वो आपको स्वेडिश का हमारा इंस्टीट्यूट है, और एक इंस्टीट्यूट जो है वो नॉर्वे का है। नॉर्वे का जो कैपिटल क्या है हमारा ओस्लो। यहाँ से देखिए अगर स्टॉकहोम से अगर हम बात करते हैं, स्टॉकहोम से जो इंस्टीट्यूट है स्वीडन का बारे में बात करेंगे, तो जो हमारा चार इंस्टीट्यूट में तीन स्वीडन से है और एक नॉर्वे से है। अब यहाँ इंस्टीट्यूट के बारे में बात किया गया है कि स्टॉकहोम से बात करें तो द रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, याद रखिएगा रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और क्या है ना इकोनॉमिक के क्षेत्र में नोबेल देती है, याद रखिएगा रॉयल स्वेडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है स्टॉकहोम से किस किस क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में हो गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में हो गया, और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल क्या है देती है। अगर हम बात करते हैं कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट का बात करते हैं, ये आपको फिजियोलॉजी और क्या है मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल कौन देती है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है वो आपको मेडिसिन और या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में ये देती है। अगर हम बात करते हैं थर्ड हमारा इंस्टीट्यूट स्वेडिश एकेडमी के बारे में बात करते हैं, तो स्वेडिश एकेडमी जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में क्या है ना नोबेल देती है, जो स्वेडिश एकेडमी जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में क्या है नोबेल देती है। अगर हम नॉर्वे का जो एकमात्र जो है, और यही एग्जाम में पूछता है कि जो पीस प्राइज जो है इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट देता है, तो याद रखिएगा कि जो नोबेल पीस प्राइज जो है वो नॉर्वे के नोबेल कमिटी जो है बेस्ड जो है ओस्लो में वो पीस प्राइज क्या है देती है, याद रखिए नोबेल नोबेल कमिटी जो है ओस्लो में जो बेस्ड है वो आपको क्या है पीस में क्या है देती है, और कहाँ पे देती है ओस्लो में क्या इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे एक स्वेडिश जो है वो केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इनको क्या है डायनामाइट का डिस्कवरी में भी क्या इनको जाना जाता है। अगर डायनामाइट का डिस्कवरी अगर पूछे किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का डिस्कवरी किया था। ये जो है 1896 में इनका मृत्यु हो जाती है, और 1896 में इनका मृत्यु हो जाता है, उसके बाद हम आपको बताएं कि 1901 में, तो देखिए 96 प्लस क्या कर दीजिए 5, तो 1901 आ जाता है। तो जो 1901 जो है इनका फिफ्थ जो डेथ एनिवर्सरी है, इसी दिन हम नोबेल प्राइज को क्या है स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करेंगे कि ईच रेसिपिएंट जो भी नोबेल प्राइज को जो लेते हैं उनको क्या है ना लॉरिएट के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा लॉरिएट के नाम से इनको जाना जाता है, और उनको क्या मिलता है एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, और क्या है ना मॉनेटरी अवार्ड मतलब पैसा क्या उनको दिया जाता है। तो क्या क्या चीज दिया जाता है याद रखिएगा, गोल्ड मेडल यहाँ पे दिया जाता है उनको, डिप्लोमा दिया जाता है, और क्या है ना मॉनेटरी क्या है ना अवार्ड उनको दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं अब कुछ, तो महात्मा गांधी जो है वो एक आइकन थे नॉन वायलेंस का, नॉन वायलेंस के क्षेत्र में क्या है ना महात्मा गांधी ने बहुत काम किए। उसके बाद इनका जो 20th सेंचुरी में नॉन वायलेंस पे जो महात्मा गांधी बहुत काम किए थे उनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। ये आपको टाइम पूछता है कि महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज के लिए कब कब नॉमिनेट किया गया था, तो याद रखिएगा 1937, 1938, 1939 और 1947 में इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन 30 जनवरी 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनको क्या है ना अवार्ड नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब है कि महात्मा गांधी को नॉन वायलेंस के क्षेत्र में नॉमिनेट तो किया जाता है कब, 1937, 1938, 1939 और 1947 को, लेकिन इनको अवार्ड क्या है ना नहीं मिल पाता है। अब यहाँ से आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। वैसे लॉरिएट है, लॉरिएट हम आपको बताएं जो नोबेल प्राइज जिनको दिया जाता है उनको लॉरिएट बोलते हैं, तो वैसे लॉरिएट है जो एक से ज्यादा नोबेल प्राइज क्या है ना वो जीते हैं, तो किस किस क्षेत्र में जीते हैं और कौन कौन जीते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ये बात करते हैं फोर पीपल हैव रिसीव्ड, कहने का मतलब है कि चार ऐसे लोग हैं जिनको दो नोबेल प्राइज से मिला है, यानी कहने का मतलब है कि चार जो लोग हैं वो दो नोबेल प्राइज क्या है ना जीते हैं, जिसमें नाम है मैरी क्यूरी, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरी क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में दिया गया था हर वर्क और रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए। रेडियो एक्टिविटी में एक बहुत ही कीर्तिमान क्या है ना आपको लेकर आए थे, कीर्तिमान क्या है आपको क्या स्थापित किए थे रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में, तो मैरी क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में मिला था।
और केमिस्ट्री में इनको 1911 में दिया गया रेडियम का, जो प्योर रेडियम का आइसोलेशन के लिए 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में इनको दिया गया। तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बना कि मेरी क्यूरी भी मतलब इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल मिला है। तो मेरी क्यूरी को फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है और केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, और फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है कब, 1903 में, किसके लिए, रेडियो एक्टिविटी पे वर्क करने के लिए, और 1911 में मिला है केमिस्ट्री में रेडियम, प्योर रेडियम के आइसोलेशन के लिए। यहाँ से दूसरा जो हमारा साइंटिस्ट का नाम होता है वो हमारा लिनस पॉलिंग, याद रखिएगा लिनियस पॉलिंग जो है उनको 1954 में केमिस्ट्री प्राइज के लिए उनको नवाजा गया था, रिसर्च इनटू केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड में रिसर्च करने के लिए लिनियस पॉलिंग को 1954 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। एंड क्या ना, एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, पॉलिंग को और भी क्या है नोबेल पीस प्राइज, जो कि 1962 में नोबेल पीस प्राइज से भी लिनियस पॉलिंग को नवाजा गया था, अगेंस्ट न्यूक्लियर वीपन्स मेकिंग हिम द ओनली लॉरियट ऑफ क्या है 2 अनशेयर्ड क्या है ना प्राइज, मतलब एक ऐसे हैं जो कि क्या है ना बिना शेयर किए हुए, मतलब अनशेयर्ड मतलब सिंगल सिंगल इनको मिला है। ये आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में, केमिकल बॉन्ड में आपको जो स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के लिए, और पीस प्राइज 1962 में यानी 54 में और 62 में लिनियस पॉलिंग को यह मिला है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एक ओनली लॉरियट है जिनको 2 अनशेयर्ड प्राइज, मतलब शेयर नहीं किया, ऐसे जो भी जैसे 2 आदमी को यहाँ पे मान लीजिए कि प्राइज मिला तो हाफ हाफ क्या हो जाता है शेयर हो जाता है, लेकिन इनको सिंगल सिंगल ही क्या है आपको मिला 2 बार। अगर हम थर्ड बात करते हैं जॉन बार्डिन जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार इनको मिला है, फिजिक्स के क्षेत्र में ही 2 बार मिला है, 1956 में इसके लिए आपको ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए, और 1972 में इनको मिला है थियोरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि फिजिक्स के क्षेत्र में जॉन बार्डिन को 1956 में ट्रांजिस्टर के इन्वेंशन के लिए और 1972 में सुपर थियोरी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी के लिए आपको जॉन बार्डिन को 2 बार फिजिक्स के क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज दिया गया है। अगर हम बात करते हैं फ्रेडरिक सैंगर, जो 4th नंबर के जो साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या फ्रेडरिक सैंगर जो है वो प्राइज क्या है ना केमिस्ट्री में 2 बार, ये क्या है देखिए फिजिक्स में 2 बार है, ये केमिस्ट्री में क्या है ना 2 बार इनको मिला है, 1958 में मिला है डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए आपको फ्रेडरिक सैंगर को केमिस्ट्री में 1958 में मिला है, और क्या 1980 में क्या है ना फिर इसको मिला है इन्वेंटिंग अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बेस सीक्वेंस इन डीएनए, डीएनए में जो सीक्वेंस जो है उसको डिटरमाइन करने के लिए 1980 में फ्रेडरिक सैंगर को मिला है 1958 और क्या है ना 1980 में 2 बार मिला है। तो 4 साइंटिस्ट का आपको नाम बताए जो आपको 2 बार नोबेल प्राइज को रिसीव किए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। यहाँ बात करते हैं कि जो 2 ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड द पीस प्राइज मल्टीपल टाइम्स, 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं ना जिनको क्या है ना 1 से ज्यादा बार क्या है ना पीस प्राइज से नवाजा गया है। देखिए बीपीएससी में एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट है जिनको 1 से ज्यादा बार प्राइज मिला है, तो यहाँ पे रेड क्रॉस था। देखिए यहाँ बात करते हैं द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो 3 टाइम क्या है ना उनको क्या है ना रिसीव किए हैं, 1917 में, 1944 में ड्यूरी और क्या है 1963 में, ये 3 बार क्या है ना इन्होंने क्या है आपको रेड क्रॉस पीस के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज क्या है ना ये रिसीव किए हैं। अगर हम बात करते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो है वो क्या है ना पीस प्राइज क्या है ना 2 बार क्या है ना इन्होंने रिसीव किया है 1954 और 1981, यानी ये भी ऑर्गेनाइजेशन है द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर, ये आपको क्या है 1954 और 1981 में 2 बार नोबेल प्राइज को पीस के क्षेत्र में रिसीव किए हैं। अगर हम फैमिली के बारे में बात करते हैं तो जो क्यूरी जो फैमिली जो है ना वो सबसे ज्यादा प्राइज क्या है ना रिसीव किए हैं, जैसे 4 प्राइजे जो है अवार्ड टू 5 इंडिविजुअल लॉरियट, याद रखिएगा मैरी क्यूरी जो फैमिली है वो सबसे ज्यादा बार नोबेल प्राइज क्या है ना ये रिसीव किया है। जैसे मैरी क्यूरी जो है वो रिसिप्ट जो प्राइज की थी फिजिक्स में 1903 में, केमिस्ट्री क्या है 1911 में, उसके जो हस्बैंड है जिनका नाम क्या है ना पाइरे क्यूरी, वो 1903 में जो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्या है वो रिसीव किए थे वो क्या है जैसे 1903 में जो है ना मैरी क्यूरी और इसके जो हस्बैंड जो है ना पाइरे क्यूरी, ये दोनों को क्या है ना मिला था शेयर किए थे। इसके बात करते हैं इनका जो डॉटर जो है जिनका नाम क्या आयरने
जोलियट क्यूरी जो है वो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज क्या है ना रिसीव किया 1935 में अपने हस्बैंड यानी जो इनकी बेटी है उनके हस्बैंड जो है फ्रेडरिक जोलियट क्यूरी जो है उनके साथ क्या है इनके बेटी जो है वो रिसीव की थी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। इनके जो हस्बैंड जो है ऑफ मैरी क्यूरी के जो सेकेंड डाउटर है उसके जो हस्बैंड है जिनका नाम क्या हेनरी लेबोइसे ये जो है आपको डायरेक्टर जो थे वो यूनिसेफ के वो क्या है नोबेल पीस प्राइज को रिसीव किए थे बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में 1965 में ये आपको रिसीव किए थे। तो क्यूरी फैमिली जो है वो सबसे ज्यादा क्या है नोबेल अवार्ड क्या है ना ये रिसीव की है। अब यहाँ से बात करते हैं जो हमारा मेन मोटो है नोबेल प्राइज 2021 का घोषणा हो चुका है और सभी यहाँ पे रेसिपेंट जो भी है उनका नाम यहाँ पे है। कुछ निमोनिक टेक्निक से हम याद करने का कोशिश करेंगे जैसे मेडिसिन के क्षेत्र में डेविड जूलियस और आर्डेम पैटापोटियन को मिला है। याद रखिएगा डेविड जूलियस और आर्डेम पैटापोटियन को किस क्षेत्र में मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पे मिला है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए डेविड ने मेडिसिन खाकर आराम किया। यहां से हम याद कर सकते हैं डेविड डेविड कहने का मतलब क्या है डेविड याद रखिएगा डेविड ने मेडिसिन मतलब मेडिसिन के क्षेत्र में खाकर आराम से यहां देखिए आर्डेम से यहां आराम कुछ आपको आ रहा है आर्डेम मतलब क्या है ना यहां से आराम से रिलेट कीजिए जो डेविड को डेविड और आर्डेम को जो है मेडिसिन के क्षेत्र में यानी डेविड ने मेडिसिन खाकर आराम किया। और इनको किस लिए फॉर दियर डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड क्या है ना टच इसके लिए डेविड और क्या है ना आर्डेम को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको मिला है 2021 से। तो याद रखिएगा डेविड ने मेडिसिन खाकर आराम किया 5 बार आप बोलिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिक्स ठीक है फिजिक्स में 3 लोगों को यहाँ पे मिला है। इनका नाम जो है आपको साइकुरो मैनेब क्लॉस हेसलमैन और आपको जॉर्जियो पेरिसी। तो ये आपको पीछे वाला आपको यहाँ नाम याद रखे देखिए यहाँ पे भी अगर बात करते हैं तो एम एन मैन यहाँ पे भी लगा हुआ है यहाँ पे भी क्या है ना एम ए डबल एन मैन लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है ना पेरिसी लगा हुआ है। देखिए पेरिसी से पेरिस याद रखिए। यहाँ से निमोनिक टेक्निक ये है मन कर रहा है पेरिस जाकर एफिल टावर पर चढ़कर जोर से हंसे। देखिए जोर से हंसे आपको यहाँ पे क्या करना मन कर रहा है मन यहाँ पे मतलब क्या है मैंने और क्या बोलते हैं मन से यहाँ याद रखिएगा मन कर रहा है पेरिस जाकर पेरिस एफिल टावर कहाँ पे है पेरिस में तो यहाँ पे मैंने और यहाँ पे क्या हो जाएगा पेरिसी जाकर एफिल टावर पर चढ़कर जोर से हंसे से याद रखिएगा हेसलमैन। तो यहाँ से आपको 3 चीज याद रखना है मैन मतलब मैने पेरिस मतलब पेरिसी और उसके बाद क्या है हंसे मतलब हेसलमैन। मन कर रहा है पेरिस जाकर एफिल टावर पर चढ़कर जोर से हंसे मन कर रहा है पेरिस जाकर एफिल टावर पर चढ़कर जोर से हंसे मन कर रहा है पेरिस जाकर एफिल टावर पर चढ़कर जोर से हंसे ये आप याद रखिएगा आपको याद हो जाएगा मन यहाँ पे भी है ऐसे भी आप याद कर सकते हैं मन जहाँ पे आएगा मन कर रहा है पेरिस जाकर तो पेरिसी आ गया मन कर मन और प्लस क्या है ना पेरिस एफिल टावर को याद रखिएगा पेरिस में है और एफिल टावर में क्या है ना फिजिक्स उसमें बहुत ही यूज किया गया है एफिल टावर को बनाने में फिजिक्स बहुत यूज किया गया है तो यहाँ से याद रखिएगा फिजिक्स के क्षेत्र में। और इसमें बात करते हैं किस लिए फोर क्या है ना ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम इस क्षेत्र में आपको मैंने हेसलमैन और क्या है ना पेरिसी को फिजिक्स के क्षेत्र में आपको ये नोबेल दिया गया है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन करके एक साइंटिस्ट थे आपको एक नाम याद होगा जिसने चार्ज का डिस्कवरी किया। तो याद रखिएगा कि बेंजामिन और मैकमिलन के बीच केमिस्ट्री बहुत अच्छा अगर दोनों के बीच अगर मान लीजिए कि बातचीत अच्छे से हो रहा है दोनों के बीच उठना बैठना अच्छे हो रहा है मतलब केमिस्ट्री दोनों में जम रही है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बेंजामिन एंड मैकमिलन के बीच केमिस्ट्री अच्छी है
याद रखिएगा, बेंजामिन और क्या है ना मैकमिलन के बीच केमिस्ट्री अच्छी है, बेंजामिन एंड मैकमिलन के बीच केमिस्ट्री अच्छी है, बेंजामिन एंड मैकमिलन के बीच केमिस्ट्री अच्छी है, पांच बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। ये किस लिए मिला है इसको, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, याद रखिएगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए आपको बेंजामिन और क्या है आपको मैकमिलन को आपको केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया है। और ये आपको क्या है ना याद रखना है, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए इनको मिला है, लिटरेचर के लिए जो है ना अब्दुल रजाक गुरना, देखिए याद रखिएगा अब्दुल रजाक जो है ना फॉर्मर पाकिस्तान के है ना ये प्लेयर थे, अब्दुल रजाक आपको नाम याद होगा, तो अब्दुल रजाक जो है वो आपको उसको लिटरेचर के क्षेत्र में सिंगल है आपको याद होगा, इसलिए है फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कॉम्पैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड द फेट ऑफ द रेफ्यूजी इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड क्या है ना कॉन्टिनेंट, इस क्षेत्र में इनको योगदान के लिए अब्दुल रजाक गुरना को लिटरेचर के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो फिफ्थ जो है हमारा पीस प्राइज, तो जो है नोबेल पीस प्राइज 2021 से ये आपको क्या है ना मारिया और क्या बोलते हैं डेमेट्री मारिया रेसा और क्या डेमेट्री एंड्रविच एमुरोतो, ये जर्नलिस्ट है इनको क्या है ना मिला है। इसको बात करने के लिए है कि यहाँ पे मारिया ने शांति के लिए बहुत मुरादे पूरी की, याद रखिएगा यहाँ पे मारिया मारिया यहां से याद रहेगा, मारिया रेसा मतलब क्या हुआ मारिया शांति के क्षेत्र में हुआ, बहुत मुरादे से यहाँ पे याद रखिएगा, मुराद तो यहाँ पे है ना, तो आपको यहाँ से मुरादे से आपको थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा, मुरादे मतलब क्या है ना मुरातो, तो डेमेट्री एंड्रविच क्या है ना मुरातो, मारिया ने शांति के लिए बहुत मुरादे पूरी किए, मारिया ने शांति के लिए बहुत मुरादे पूरी किए, तो मारिया से याद रखेगा मारिया रेसा शांति के क्षेत्र में और मुरादे से यहाँ पे याद रखा मुरातो। इनको किस लिए है, फॉर दियर एफर्ट टू सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब क्या हुआ बोलने की आजादी, विच इज अ प्री कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी फॉर डेमोक्रेसी एंड कैन लास्टिंग पीस, कहने का मतलब कोई भी अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है जब तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं हो बोलने की आजादी नहीं होगा तब तक उस डेमोक्रेसी जो हमारा कंट्री है उसका वैल्यू नहीं है, तो इस क्षेत्र में इन दोनों जर्नलिस्ट ने बहुत काम किए इसलिए इनको मारिया और क्या है ना मुरातो को नोबेल में पीस प्राइज से इनको क्या है ना नवाजा गया है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है ना पांच क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार क्या है ना दिया गया है आपको, फिजिक्स के क्षेत्र में आपको बताएं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बताएं, मेडिसिन के क्षेत्र में बताएं, उसके बाद क्या है हमारा पीस के क्षेत्र में बताएं और लिटरेचर के क्षेत्र में बताएं, पांच क्षेत्र में आपको नोबेल प्राइज के बारे में बताएं और नोबेल प्राइज में क्या हिस्ट्री था, कब से स्टार्ट हुआ, किसको किसको क्या है ना मिला, किसको मल्टीपल टाइम, पूरा हमने क्या है ना यहाँ पे डिस्कशन किए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या है ना शेयर कीजिए और मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।